बाइबल से बैन किया गया हनोक की किताब हमारे इतिहास के चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा करता है। हनोक द्वारा लिखी गई किताब सभी मानव जाति के लिए एक चेतावनी के साथ शुरू होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर इस किताब की ऐसी कौन सी बातें हैं जो मसीह लोगों को डराती है, जिसके कारण इसे बाइबल से बैन किया गया। इसको जानने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखें। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने बाइबल के खोज के बारे में, जिसमें हनोक की किताब पाई जाती है। यह खोज शुरू होती है एक स्कॉटिश परिवार के व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम है जेम्स ब्रूस। जेम्स ब्रूस का परिवार चाहता था कि वह कानून की पढ़ाई करे, लेकिन उनकी कुछ अलग ही योजना थी। उनका एक सपना था कि वह नील नदी के सबसे पुराने स्रोत की खोज करने वाले पहला व्यक्ति बने। ब्रूस ने कई साल तक अफ्रीका में अपने सपने को पूरा करते हुए बिताया और आखिरकार उन्होंने नील नदी के सबसे पुराने स्रोत को खोज लिया। लेकिन इसी बीच उसने कुछ और भी खोज किया जो बहुत ही खास था। इथियोपिया में रहते हुए ब्रूस ने एक पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट देखी, यानी मानव द्वारा लिखावट, जो इथियोपियाई यहूदियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राचीन गीज भाषा में लिखी गई थी। ब्रूस को बताया गया कि यह पुस्तक बाइबल है। ऐसे देखा जाए तो इथियोपिया में यहूदी धर्म लगभग 3000 वर्ष पुराना है। जेम्स ब्रूस ने जब इथियोपियाई बाइबल को देखा तो बहुत ही अचंभित हुए। ब्रूस बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इथियोपियाई ग्रंथों में उन्होंने पाया सैकड़ों कहानियां ऐसी थी जो हमारे बाइबल में नहीं है। इथियोपियाई बाइबल में 81 पुस्तकें हैं। कैथोलिक बाइबल ने कुछ पुस्तकों को हटा दिया और इसमें केवल 73 पुस्तकें हैं। किंग जेम्स बाइबल में इसमें केवल 66 पुस्तकें हैं। ब्रूस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे है कि पुराने बाइबल में इतना अधिक विवरण मौजूद है। जिन लोगों का आधुनिक बाइबल में केवल एक या दो बार वर्णन किया गया है, उनके पूरे जीवन, परिवार, उनके काम और दुष्टता को इथियोपियाई बाइबल में दर्ज किया गया है। जेम्स ब्रूस को यह समझ नहीं आ रहा था कि इथियोपियाई बाइबल के इतने सारे पुस्तकों को क्यों हटा दिया गया है, और तभी ब्रूस ने इसका कारण पाया। इथियोपियाई बाइबल को देखते समय उनका ध्यान हनोक की पुस्तक पर पड़ी। ब्रूस को पता था कि हनोक नूह का परदादा था, क्योंकि आज की आधुनिक बाइबल में कुछ ही जगहों पर इसके बारे में बताया गया है। लेकिन यह इथियोपियाई बाइबल में हनोक का पूरा किताब था, जिसमें लगभग 108 चैप्टर है। अब ब्रूस को यह समझ आने लगा था कि आखिर क्यों दुनिया इस पुस्तक को छुपाना चाहती है, क्योंकि हनोक की पुस्तक में स्वर्ग को न केवल एक आध्यात्मिक स्थान के रूप में बल्कि एक भौतिक स्थान के रूप में वर्णन किया गया है, जहां मनुष्य को भी भौतिक रूप से जाना संभव है, जबकि आधुनिक बाइबल के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। बिना मृत्यु के कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन हनोक ने ऐसा किया और जो कुछ भी उसने वहां देखा उसे लिख लिया। उसने स्वर्ग का वर्णन बादलों में तैरती काल्पनिक स्थान के रूप में नहीं किया, बल्कि आकाश में एक शहर के रूप में किया, जिसमें कई अलग अलग कमरे हैं, दीवारें चमकती रोशनी के रत्नों से ढकी हुई है और ईश्वर समान प्राणी अपने अपने काम कर रहे हैं। हनोक की पुस्तक तो कई साल पहले इतिहास से मानो गायब ही हो गई थी, लेकिन इसे 1772 में जेम्स ब्रूस द्वारा फिर से खोज किया गया। हनोक की पुस्तक निश्चय ही बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसे कई समुदाय के लोगों ने इनकार कर दिया और इसे बाइबल का भाग नहीं मानते। प्राचीन काल में हनोक की पुस्तक बहुत स्थानों पर पढ़ी जाती थी। इसकी लगभग 11 कॉपीज डेड सी स्क्रॉल्स में पाई गई थी, जो पूरी तरह से इथियोपियाई बाइबल के पुस्तकों से मेल खाती थी। हनोक ने अपने पुस्तक में बताया है कि वह स्वर्ग की ओर चढ़ जाता है और उसके साथ यूरियल नाम का एक प्राणी होता है। शायद एलिया की तरह ही हनोक को भी शारीरिक रूप में स्वर्ग ले जाया गया होगा और उसने जो कुछ वहां देखा उसे लिख लिया। स्वर्ग पर जाते समय उसने नीचे पहाड़ों को और नदियों को देखने का जिक्र किया है, साथ ही हवा और बादल के निर्माण का भी जिक्र किया गया है। हनोक जब स्वर्ग में प्रवेश करता है तो उसे बहुत सारे दरवाजे दिखाए जाते हैं, जिन्हें वह 12 द्वार कहता है। प्रत्येक द्वार का एक नाम और एक उद्देश्य होता है। हनोक वहां कुछ प्राणियों को द्वार के अंदर बाहर घूमते हुए देखता है,
इन्हें वह स्वर्गदूत और प्रधान दूत कहता है। इनके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है। इसके बाद हनोक को ब्रह्मांड का भ्रमण कराने ले जाया गया। वह आकाशगंगा की यात्रा करता है। यूरियल हनोक को सौर मंडल के बारे में बताता है। उसने बताया कि पृथ्वी पर वर्ष की लंबाई 365 दिन होती है। हनोक ने अभी देखा कि आकाश में नक्षत्र कैसे घूमते हैं। यह सब बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि हनोक ने इसमें से कई चीजों की आज के खोज के कई वर्षों पहले ही बता दिया था। हनोक ने एक वस्तु देखी जिसे वह जीवन का पुस्तक कहता है। उसका कहना है कि इस पुस्तक में मनुष्य के सभी कामों का रिकॉर्ड है। फिर आखिर में हनोक को परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाया जाता है और वहां परमेश्वर हनोक को गिराए गए दूतों के रहस्य और मनुष्यों के अत्याचार के बारे में बताते हैं। परमेश्वर हनोक को अतीत, वर्तमान और भविष्य के दर्शन दिखाता है। तभी हनोक को समझ आता है कि उसे वहां क्यों बुलाया गया और उसे सब कुछ लिखने को क्यों बोला गया था। परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की इन सारी गुप्त बातों को गवाह बने और जिसका शब्द पीढ़ियों तक बना रहे। परमेश्वर ने हनोक को चुना ताकि वह अपना संदेश स्वर्ग से गिराए गए दूतों और मनुष्यों तक पहुंचा सके। संसार की उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने कई स्वर्गदूतों को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। आमतौर पर स्वर्गदूतों को आध्यात्मिक प्राणी माना जाता है, लेकिन हनोक की पुस्तक में इन गिराए गए स्वर्गदूतों को विशाल शरीर वाले दानव जैसे भौतिक प्राणी के रूप में बताया गया है, जिनमें से कुछ के पंख भी है। इन्होंने इंसान को कई चीजें सिखाए, जैसे कि खेती करना, पौधे से दवा बनाना। इन्होंने इंसानों को खगोल विज्ञान भी सिखाया, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथ में जिन पर हनोक की पुस्तक आधारित है वर्णन किया गया है। हनोक अपने पुस्तक में बताते हैं कि इन गिराए गए दूतों को परमेश्वर द्वारा चेतावनी दी गई थी कि वह मनुष्यों को कुछ रहस्यमय बातें न बताए, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के चेतावनी को इनकार किया और मनुष्यों को युद्ध करना, हथियार बनाना सिखा दिया। गिराए गए स्वर्गदूतों ने पृथ्वी के लोगों को पाप में बहकाया और जिसे चाहा उसे अपनी पत्नी बना लिया। और स्वर्गदूतों ने जो स्वर्ग की संतान है उन्हें देखा और उनकी लालसा की और एक दूसरे से कहा, आओ हम मनुष्यों में से अपने लिए स्त्रियां चुन ले। पहला हनोक अध्याय 6 उसका 2 पद। इन्हीं स्त्रियों से जन्म लिए हुए बच्चे बड़े होकर एक विशाल शरीर वाले दानों के रूप में बन गए, जिन्हें नफीली भी कहा जाता है। धीरे धीरे ये पृथ्वी पर बढ़ते गए और इंसानों को सताने लगे और इंसानों ने इनसे बदला लेने के लिए उनके जैसा ही निर्दयी और क्रूर बनने लगे, जिसके बाद पूरा पृथ्वी हत्या, लड़ाई और दुष्टता से भरने लगा। हनोक ने गिराए गए स्वर्गदूतों को और पूरे मानव जाति को चेतावनी दिया कि पश्चाताप करो, लेकिन सभी ने उसके चेतावनी को इनकार कर दिया। अय्यूब की किताब लिखे जाने से पहले ही हनोक ने अपनी पुस्तक में, जो यीशु मसीह के जन्म से 3000 साल पहले लिखी थी, एक शब्द का इस्तेमाल करता है, मनुष्य का पुत्र। इस शब्द का इस्तेमाल यीशु मसीह ने भी अपने आप के लिए बहुत बार उपयोग किया है और हनोक भी अपने पुस्तक में यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के नाम से संबोधित कर रहा है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हनोक ने इसके कई साल पहले ही इस बात को लिख दिया था कि उसने मनुष्य के पुत्र के स्वरूप एक मनुष्य को देखा जो यीशु मसीह को संबोधित किया गया था। और यह भी एक कारण थियोलॉजिस्ट के द्वारा बताए जाते हैं कि हनोक की पुस्तक को यहूदी बाइबल के कैनन के अंदर इसीलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि हनोक की पुस्तक यीशु मसीह को ही यहूदियों का मसीह प्रमाणित कर देती है। यही कारण है कि यहूदी लोग हनोक की पुस्तक का विरोध भी करते हैं और एक षड्यंत्र भी बनाया गया है कि हनोक के पुस्तक को हनोक ने नहीं लिखी थी। यह इसीलिए क्योंकि अगर यह बात सामने आ जाएगी कि हनोक की पुस्तक हनोक ने ही लिखी थी, तो उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही यहूदियों का मसीह है और इसीलिए वे हनोक की पुस्तक का विरोध करते हैं। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।